छत्तीसगढ़ के बस्तर में रथ यात्रा का पर्व बहुत ही अनोखा, मनोरंजक और कई मायनों में दुर्लभ है। इसे गोचा रथ यात्रा कहा जाता है। बस्तर में जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास कई वर्ष पुराना है। बस्तर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग तरीके से मनाई जाती है। इस पावन पर्व में तुबकी का अपना अलग महत्व है। बस्तर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तुबकी से सलामी देने की परंपरा है। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। बस्तर में बंदूक को तुपक कहा जाता है। तुपक शब्द से ही तुबकी शब्द बना है। इसी तुबकी से रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। तुबकी को फलों से भरा जाता है। इस फल को बस्तर की स्थानीय भाषा में पेंग या पेंगू कहते हैं। ये एक जंगली लता का फल है जो आषाढ़ के महीने में पाया जाता है। इसे हिंदी भाषा में मालकांगनी कहते हैं। तुबकी की गोली की रेंज 50 फीट तक होती है। तुबकी की नली में पीछे की पैच, इसे हिंदी भाषा में मालकांगनी कहते हैं। तुबकी की गोली की रेंज 50 फीट तक होती है। तुबकी की नली में पीछे की तरफ से पेंग फल को भरा जाता है। इन फलों को तुबकी यानी बंदूक में बांस की बनी छड़ी की मदद से भरते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को तुबकी से सलामी दी जाती है। पेंग फल के बीजों से तेल भी निकाला जाता है जो कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इस तेल का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द, गठिया तथा वात रोगों के लिए दवा के रूप में किया जाता है। इसके तेल से शरीर की मालिश भी कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार रियासत कालीन गोचा पर्व में विग्रहों को सलामी देने की एक प्रथा थी। इसके स्थान पर बस्तर के ग्रामीणों ने इस तुबकी का आविष्कार कर उस प्रथा को आज भी कायम रखा है। बस्तर के लोगों का मानना है कि गोचा रथ यात्रा में तुबकी की मार शरीर पर अवश्य पड़नी चाहिए, जिससे शारीरिक समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि बस्तर में रथ यात्रा के उत्सव का प्रारंभ बस्तर के महाराजा पुरुषोत्तम देव की जगन्नाथपुरी की यात्रा के बाद हुआ था। मान्यताओं के अनुसार उड़ीसा में सर्वप्रथम राजा इंद्रद्युम्न ने इस रथ यात्रा की शुरुआत की। उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। ओडिशा में गुंडीचा कहा जाने वाला ये पर्व बाद में बस्तर में गोचा कहलाया। लगभग 605 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई रथ यात्रा की ये परंपरा आज भी कायम है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पवित्र लकड़ियों की जो अर्ध निर्मित मूर्तियां स्थापित हैं, उन मूर्तियों का निर्माण भी महाराजा इंद्रद्युम्न ने करवाया। माना जाता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान परंपरागत तरीकों से रथों को सजाया जाता है। इन रथों में सवार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा जी की प्रतिमाओं को जगन्नाथ मंदिर से पूरे नगर में घुमाया जाता है। माना जाता है इस दौरान भगवान जगन्नाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से ही प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।